वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा। एक बार फिर पब्लिक डिमांड पर वीडियो लेकर आई हूं। इस वीडियो में हम जीडीपी से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस तक 15 से ज्यादा टॉपिक्स पर कंपैरिजन करेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखकर अगर पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी 15.8 लाख करोड़ है, वहीं मध्य प्रदेश की जीडीपी 8.26 लाख करोड़ है। बता दें कि जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश इंडिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेट है, वहीं मध्य प्रदेश आठवां सबसे बड़ा स्टेट है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 7% है, वहीं मध्य प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% है। एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया का चौथा सबसे बड़ा स्टेट है। वहीं मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। रिलीजियंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 79.80% हिंदू, 19.23% मुस्लिम्स, 0.18% क्रिश्चियन और 0.79% बाकी धर्म के लोग रहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 90.89% हिंदू, 6.57% मुस्लिम्स, 0.78% जैनिज़, 0.29% क्रिश्चियन और 1.47% बाकी धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 94.08% हिंदी, 5.42% उर्दू, 0.25% पंजाबी और 0.25% बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में 88.57% हिंदी, 1.70% मराठी, 1.26% उर्दू और 8.47% बाकी लैंग्वेजेस बोली जाती है। पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20.42 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। वहीं मध्य प्रदेश में 7.33 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि इंडिया का पांचवा सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है। आइए अब थोड़ी गरीबी की बात कर लेते हैं। पॉवर्टी रेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पॉवर्टी रेट 29.43% है, वहीं मध्य प्रदेश की पॉवर्टी रेट 31.65% है। लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 67.68% है, वहीं मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट 70.60% है। चलिए दोस्तों अब आपको कुछ ऐसी फेमस शख्सियतों के बारे में बताते हैं जिनकी जड़ें इन जगहों से जुड़ी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश से भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी से मशहूर इंदिरा गांधी, हॉकी की दुनिया में सबसे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, महान कवि गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, सूफी लेजेंड आमिर खुसरो और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश से इंडिया के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी, भारत रत्न विजेता अटल बिहारी वाजपेयी, फेमस मैथमेटिशियन नरेंद्र कृष्णा कर्माकर, फेमस फिजिस्ट अनिल काकोडकर, इंडिया के सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले मधुसूदन पाटीदार, दैनिक भास्कर न्यूज पेपर ग्रुप के फाउंडर रमेश चंद्र अग्रवाल और फेमस इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन शामिल है। चलिए अब आपको टॉप 10 सिटीज के बारे में बताते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में कैपिटल सिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, अलाहाबाद, बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश में कैपिटल सिटी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, देवास, सतना, रतलाम और रेवा शामिल है। चलिए अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 खाने पीने की चीजों में वेज कोफ्ता, करी और चावल, कड़ी चावल, उत्तर प्रदेशी थाली, आलू पूरी, क्रीमी मलाइयो, खस्ता कचौरी, लखनऊ चिकन बिरयानी, गलावती कबाब, चांदी की परत वाली पान और पीने के लिए ठंडाई शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश के टॉप 10 खाने पीने की चीजों में पोहा, जलेबी, दाल बफला, भुट्टे का केस, गरादू, मालपुआ,
भोपाली कबाब, साबूदाना खिचड़ी, मावा बाटी, सेव परमल और पीने के लिए महुआ का रस शामिल है। चलिए दोस्तों, अब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी को अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो यूपी की आबादी लगभग ब्राजील देश के बराबर है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं, जो लगभग दुनिया के हर देशों से आते हैं। उत्तर प्रदेश को हिंदी का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई महान हिंदी लेखक जैसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और प्रेमचंद पैदा हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे अधिक क्राइम वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश को चीनी की कटोरी कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य इंडिया के टोटल गन्ने का आधा हिस्सा उत्पाद यानी प्रोड्यूस करता है। अपने भौगोलिक लोकेशन के कारण मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश इंडिया का एकमात्र राज्य है जो डायमंड का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में इंडिया की सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर्स में इंडिया के इकलौते सबसे बड़े जल महोत्सव का आयोजन होता है। चलिए दोस्तों, अब घूमने फिरने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप ताजमहल, आगरा फोर्ट, अकबर का मकबरा, सरनाथ, शांतिनाथ मंदिर, फतेहपुर सिकरी, परशमनाथ मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, संगम और बुलंद दरवाजा जा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आप ओमकारेश्वर, खजुराहो, ग्वालियर फोर्ट, दातिया पैलेस, सांची स्टूप, चंदेरी, महाकालेश्वर, पेंच नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, दतिया फोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा स्टेट अच्छा लगा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं।